नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को गुरुवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि के पूजन का दिन होता है। दिन बृहस्पति देव का पूजन भी किया जाता है। कहते हैं कि लोग भगवान विष्णु की कृपा को पाना चाहते हैं तो वह आज गुरुवार के दिन व्रत आदि करके उनकी कृपा को पा सकते हैं। करने से घर में सुख समृद्धि व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्याएं अगर गुरुवार के व्रत करती हैं तो उनके विवाह में आई हुई बाधाएं सारी दूर हो जाती हैं। गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही अशुद्ध रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही किसी देवी देवता का ही पूजन करती थी। अपनी पत्नी के इस कृत्य से ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। ब्राह्मण ने अनेक बार अपनी पत्नी को समझाया लेकिन उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या पैदा हुई। ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने पर प्रतिदिन स्नान करके श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण व बृहस्पतिवार का उपवास आदि करने लगी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ आदि करके ही विद्या अध्ययन करने के लिए विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और अपनी पाठशाला के रास्ते में डालती हुई चली जाती थी। और जब वह कन्या अपने घर को लौटती तो तब तक ये जो स्वर्ण के जौ बन जाते थे और वह उन स्वर्ण के जौ को लौटते समय बीन कर अपने घर ले आती। एक दिन ब्राह्मण की कन्या सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी, तभी ब्राह्मण ने उसे देख लिया और पूछा कि हे पुत्री, सोने के जौ साफ करने के लिए तो तुम्हारे पास सोने का सूप होना चाहिए। उसके अगले ही दिन बृहस्पतिवार का दिन था। ब्राह्मण की कन्या ने इस दिन भी व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा आराधना की है तो मेरे लिए एक सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उस कन्या की प्रार्थना सुन ली और प्रतिदिन की तरह ही जब वह कन्या रास्ते में जौ फैलाने के बाद पाठशाला से लौटकर रास्ते में सोने की जौ बिन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से रास्ते में वही एक सोने का सूप मिल गया और ब्राह्मण की कन्या उस सूप को अपने घर ले आई और उस सोने के सूप में ही जौ साफ करने लगी। परंतु इतने दिन व्यतीत होने के बाद भी उस ब्राह्मण की पत्नी का वही ढंग रहा और वह बिल्कुल भी नहीं बदली। एक दिन जब ब्राह्मण की कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी तो उसी दौरान उस शहर के राजा का पुत्र उस रास्ते से निकला और राजा का पुत्र ब्राह्मण की कन्या के रूप और कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया और राजा का बेटा ने अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर दिया तथा उदास होकर बिस्तर पर लेट गया। जब राजा को पता चला, इस बात की जानकारी हुई तो राजा अपने प्रधानमंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गया और बोला कि हे पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है, तुम मुझे बताओ। अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा जो भी तुम्हारे दुख का कारण हो वह सब मुझे बताओ। तुम जो कहोगे मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजा का पुत्र अपने पिता की बातें सुनकर बोला कि पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति ने मेरा किसी भी प्रकार से कोई अपमान किया है, परंतु मैं उस कन्या से शादी करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। अपने बेटे की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और राजा बोला कि हे पुत्र, इस तरह की कन्या का मुझे तो कुछ पता नहीं है। उस कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उस कन्या के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजा के बेटे ने अपने पिता को उस कन्या के घर का पता बताया। तब राजा ने प्रधानमंत्री को उस कन्या के घर भेजा। प्रधानमंत्री ने ब्राह्मण को सारी बात बताई। ब्राह्मण राजा के पुत्र के साथ अपनी कन्या की शादी करने के लिए राजी हो गया और विधिपूर्वक ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजा के बेटे के साथ कर दिया। कन्या के घर से विदा होते ही ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया और ब्राह्मण के घर में खाने के भी लाले पड़ गए। ब्राह्मण को पेट भरने के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था और एक दिन परेशान होकर ब्राह्मण अपनी बेटी के पास गया। जब बेटी ने पिता को दयनीय अवस्था में देखा और अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सारा हाल अपनी बेटी को सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को अपने घर से विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ और उसके कुछ दिन बाद ही ब्राह्मण का फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपने कन्या के यहाँ गया और सारी बात उसने बताई तो उसकी कन्या बोली, हे पिताजी,
आप माता जी को मेरे यहाँ लेकर आओ, मैं उसे वह विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण बेटी के कहने पर अपनी पत्नी को लेकर वहाँ पहुँचे तो उसकी बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रतिदिन सबसे पहले स्नान आदि करके श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करो तो आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने बेटी की एक भी बात नहीं मानी और सुबह उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। माँ के ऐसा करते ही उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आ गया और उसने एक रात को कमरे से सभी सामान बाहर निकाल दिया और अपनी माँ को उस कमरे में बंद कर दिया। और अगले दिन उसने अपनी माँ को कमरे से बाहर निकाल कर स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई और वह उसी दिन से प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। उसके ऐसा करने से और इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप शीघ्र ही बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और दोनों ही भगवान बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।